बताते हैं कि आलू चिप्स पकौड़ा कैसे बनाना है। बहुत ही सरल, बहुत ही इजी है, आप ज़रूर बनाइए। उसके लिए सबसे पहले बेसन लेंगे हम। बेसन ले, इसको फेंट रहे हैं पानी डाल के, अच्छा से फेंट ले रहे हैं इसको। इतना फेंटेंगे कि वो पानी में जब तैरने लगे तो पता चल जाएगा आपको कि ये फिट चुका है। हम आपको दिखा रहे हैं कैसे फेंटते हैं। ये हम पानी में डाल रहे हैं, ये अभी फिटा है कि नहीं पता चल जाएगा आपको। ये अभी नहीं फिटा हुआ है, ये नीचे चला गया है। ये देखिए मैंने पहले डाला था पानी में, ये नीचे बैठ गया है। अब हम इसको देखते हैं फिटा है कि नहीं। अब हम इसको डाल के देखते हैं। हाँ ये देखिए फिट गया है, ऊपर आ गया है, तो फिट चुका है। इससे पता चल गया फिट गया है। अब हम इसमें क्या डालते हैं दिखाते हैं। ये हल्दी डाल रही हूँ और कलर आने के लिए। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है। मिर्ची डालेंगे किसी में और नमक अपने टेस्ट के साथ डाल दें। ये मैंने आलू ले लिया है, अब हम इसको पीस कर लेंगे। ये कट गया, अब हम इसको पानी में डालते हैं। इसको हम अच्छा से धो लेंगे, इसको थोड़ा पानी में छोड़ देते हैं, थोड़ा ये टाइट हो जाएगा। अब मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पे, अब हम इसमें तेल डाल देते हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं पानी से, पानी निचोड़ के। अब हम इसको तलते हैं, इसे डुबाना है इसको अच्छा से। ये डाल देंगे कढ़ाई में, मैं इसको, ये बहुत ही सरल, बहुत ईजी। आपके घर में बेसन भी होगा और तेल भी मौजूद होगा, आप आलू भी घर में होगा, आप बनाइए ज़रूर और खाएं। नाश्ते में भी कोई आ जाए उसके लिए बना के दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है ये। अब एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने के लिए करेंगे, बार बार बनाएंगे, बहुत मज़ा आता है। ये देखिए अच्छा से ये फ्राई हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं तेल ना छोड़ कर। एक अंडा ले लिया मैंने और मैं आपको अलग बता देती हूँ कुछ और। इसमें ये बेसन मैंने लिया था फिटा हुआ है, जो अभी मैंने पकौड़े निकाले हैं उसको मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ और इसको अच्छे से फेंट लेते हैं। इसमें भी हम आलू चिप्स पकौड़ा बना सकते हैं डुबा के। अंडा इसमें मैंने फेंट लिया है और वो बेसन वही जो मैंने अभी निकाले थे पकौड़े, अब हम इसको भी डुबा के निकालते हैं। ये आपका अलग टेस्ट आएगा इससे। तो आप भी बनाइए और मेरा पूरा वीडियो देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और मेरा पूरा वीडियो देखें। ये देखिए ये अंडा और बेसन का है पकौड़ा।
ये अंडा पकौड़ा है और ये बेसन पकौड़ा। ये चटनी है मैंने पीसी उसके साथ खाने के लिए। ये चटनी में टमाटर, हरी मिर्ची, हरा धनिया, नमक और लहसुन, इसकी चटनी आप भी पीस के खा सकते हैं इसमें।